बिहार से एक डेलीगेशन टीम जो थी वो दिल्ली गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जो एनडीए के घटक दल हैं उनके सुप्रीमो, साथ ही साथ महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातों को रखा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने अपनी बातों को जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रख दिया है। अब पीएम और केंद्र सरकार को तय करना है कि आगे क्या होगा। बहरहाल इस दौरान उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तबीयत को लेकर चर्चा की है। बात की जाए तो जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में रह रहे हैं लालू प्रसाद यादव और जल्द ही उनकी बिहार में एंट्री होगी। बात की जाए तो लालू के पटना आगमन की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जल्द ही पटना आने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली से आज पटना पहुंचते ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल जन्माष्टमी था। दिल्ली में हमारी जो बहन रहती हैं उनके यहाँ जन्माष्टमी मनाया गया, वहाँ लालू जी गए थे। मुझे लगता है कि वे जल्द से जल्द बिहार जाएंगे। बात की जाए तो लालू यादव के नज़दीकी लोग भी बता रहे हैं कि उनके पटना आने की तैयारी की जा रही है। दरअसल परिवार से लेकर पार्टी की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे कि लालू यादव के दिल्ली में रहने से नुकसान हो रहा है। वहीं उनके स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। एक सप्ताह पहले दिल्ली एम्स में हुई जाँच में उनके रिपोर्ट पहले से काफ़ी सही पाए गए हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने मुलाकात के बाद लालू यादव पटना आने का दिन तय कर सकते हैं और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही पटना आएंगे तो बिहार की जो सियासत है उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बात की जाए तो एक कमज़ोर मैंडेट की एनडीए की सरकार है और जिस तरीके से कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के दो अलग अलग राय निकल कर आए हैं, बात अगर जातीय जनगणना की जाए या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसकी, दोनों ही पार्टी के अलग अलग स्टैंड हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में आज जब तेजस्वी यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी तबीयत में सुधार है और बेहद जल्द वो पटना पहुंचेंगे तो कयास तेज लग रहा है कि दिल्ली में जब लालू प्रसाद यादव हैं और बार बार नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं और जब पटना वो पहुँचेंगे तो जो मौजूदा सरकार है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की जो कवायद है वो शुरू होगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बेहद जल्द बिहार के सियासत में जो खेला होवे की चर्चा है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब तेजस्वी यादव ने ये संकेत दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से बेहतर है और कभी भी वो पटना आ सकते हैं तो क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद जो सियासत है बिहार की उसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आप बने रहें फर्स्ट पे, आज झारखंड के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।